दोस्तों आइए अब हम पांचों इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे थ्रू स्क्रीन शेयरिंग और आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस कैजुअल पिक्चर और एक नॉन यू नो सीरियस पिक्चर उनका डिफरेंस क्या होता है और उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है फ्री लांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पर यह जानना बहुत जरूरी है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल की पिक्चर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं प्रोफेशनल होनी चाहिए नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड इन द फ्रीलांस मार्केट प्लेस इट बिगिन विद योर प्रोफाइल पिक्चर एंड देन देर इज नो वे यू कैन अचीव सक्सेस बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है बट इनिशियली मैंने ये गलतियां की मैंने अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पर उन दिनों में नया नया कैमरा आया था स्मार्टफोन का तो मैंने बस यूं खड़े होकर सेल्फी ले ली वो जैसे क्रिकेटर सेमी नहीं लेता होता ऐसे करके तो मैंने ऐसी तस्वीर ले ली और मुझे जवाब ही ना आए बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या चक्कर है ये क्या मामला है एंड देन आई जो चीट वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मैंने जब एम्प्लॉयर के शूज फिल करके जब प्रोजेक्ट पोस्ट किया और मैंने बाकी फ्री की बेट देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं दोस्तों ब्लंडर अब देखिए मैं एम्फोसिस प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था और मैं तो ये गलतियां करता रहा आइए जरा देखते हैं एक और एक non non का ये एक है, आप देख रहे हैं खूबसूरत सी पासपोर्ट साइज पिक्चर है जो कि हमारे आईडी कार्ड पे भी आ, आती है अच्छी सी नाइस सी, स्माइल है और आ, साथ साथ आप देख रहे हैं के कोई टाई नहीं पहनी हुई और नॉन सीरियसनेस कुछ नजर नहीं आ रही इट्स अ परफेक्ट पिक्चर विद अ परफेक्ट बैकग्राउंड जो कि व्हाइट है ऐसी पिक्चर हर कोई पसंद करता है अब मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट में अच्छे ड्रेस वाली नॉन सीरियस पिक्चर दिखाऊंगा यह देखिए टाई भी पहनी हुई है बट अ लूज टाई और साथ बैकग्राउंड में नेचर नज़र आ रही है फ्री लांसर क्या दरख्तों के नीचे बैठ के काम करता है दोस्तों या फ्री लांसर क्या खेत में बैठ के हरियाली को इन्जॉय करके काम करता है या उसके टाई नॉट ऐसा लूज़ हुआ हुआ होगा अव्वल तो टाई पहनने का कहा किसने बट अगर आपने स्टाइल भी मारना था तो इस तरह की पिक्चर तो नहीं होगी जहाँ पर आप बिल्कुल नॉन सीरियस लग रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी है टाई अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है ना बट अगर टाई पहननी है तो प्रॉपर पहनिए अगर तस्वीर खिंचानी है तो प्रॉपर खिंचाइए ये जो अप्रोच है ये अप्रोच पुट ऑफ कर देती है इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक आ, सोशल मीडिया आ, से रिलेटेड दूंगा चाहे लिंक हो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो सबसे पहली चीज आप किसी भी दोस्त की प्रोफाइल में क्या देखते हैं आप देखते हैं तस्वीर अगर आपको तस्वीर से कुछ आ, डिपिक्ट होता हुआ नजर आता है तो दोस्तों तभी आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ना या उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे राइट सेम गोज फॉर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पिक्चर टेंस ए वेरी हाई प्रामिनेंस इन सेटिंग अप योर टोन एज अ प्रोफेशनल फ्री लासर और काइंडली एक दफ़ा अच्छी सी तस्वीर एक अच्छे से कैमरे से आ, जो है वो आ, जो है आप स्नैप ले लीजिए ली क्योंकि ये पिक्चर तो रोज़ रोज चेंज होनी नहीं ये कोई सोशल मीडिया तो है नहीं कि आपको हर हफ्ते अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए तस्वीर चेंज करने पड़ेगी अरे एक दफा तस्वीर दाल दी दस साल चलाइए चाहे वो, वो लिंक्डइन हो चाहे वो आपकी फ्री लांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल हो चाहे वो आपकी ऑफलाइन प्रोफाइल हो जिसके बारे में भी हम बात करेंगे बट पिक्चर इज़र्थ अ थाउजेंड वर्ड्स ये जो फ्रेज है ना कि तस्वीर हजार लफसों आ, से ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती है वो अहमियत यही है कि आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए सो थिंक अबाउट दिस गो आउट राइट वे गेट अ प्रोफेशनल पिक्चर टेकन फ्रॉम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर प्रोफेशनल फोटोग्राफर की बात ही कुछ और होगी और आप देखेंगे कि जब एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा उस प्रोफेशनल पिक्चर के साथ ही आ, दूसरी बात आपको कॉन्टेक्ट करने की ही होगी क्योंकि अगले को पता है कि सीरियसनेस मैटर्स अ लॉट इन फ्रीलैंस मार्क्ट प्लेस